बाय बाय ओके सी ना Hi, Sheena from Times of India. Hi, Sheena. We just wanted to do a small segment. Where should I sit? एक मिनट. बप्पीदा का बहुत बुरा न्यूज़ आया है ना. I'm feeling very sad for बप्पीदा. मैम आप नहीं गए? हाँ. आप गए नहीं वहाँ पे? मुझे पता ही नहीं जाना कहाँ है. आंटी को उठना पड़ेगा. इधर बैठो. मैम इधर बैठो. रवि जी माइक माइक है मेरे पास हाँ वही ना अभी सब जमा हो जाएंगे अरे भाई कोई मत होना अभी लगाओ क्या सीन हाँ लगा बप्पीदा के लिए बहुत सैड हूँ मैं आप कौन है भाई साहब नहीं बेटा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ये कौन है आप जाइए प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ आप जाइए मत करो छोड़ दो मैं तो सैड तो हूँ ही हूँ बट मुझे रोना है क्या मुझे हाँ रोना है मुझे रोना है क्या राखी जी जिस तरह के कल एक वीडियो था जिसमें आपने कई बातें की काफ़ी वायरल हुआ काफ़ी फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी फैंस आपको ट्रोल भी कर रहे हैं तो मुझे क्यों ट्रोल कर रहे सब जो फैंस सपोर्ट कर रहे उसके लिए क्या कहना चाहोगे नहीं आई लव माई फैंस जो मुझे ट्रोल भी कर रहे आई लव माई फैंस जो मुझे सपोर्ट भी कर रहे मैं इमोशनल हूँ लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं रोती भी हूँ मैं हंसती भी हूँ मैं अपने आप को संभाल लिया है और आज ही मैंने सुबह डांस किया है और मैं डांस करके भी मैंने आज मैं डांस भी कर रही हूँ और अभी मैं अपने सेंस में भी नहीं हूँ और अभी मेरा मैं बिग बॉस से बाहर निकली हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा काम भी नहीं कर रहा है और मुझे बहुत लंबा वेकेशन चाहिए आई नीड मुझे कहीं जाना है कहाँ जाना है मुझे नहीं मालूम है बट मुझे जाना है आई लव एवरीथिंग हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू ओवरकम अ हार्ट ब्रेक वेरी डिफिकल्ट आई एम ईटिंग रबड़ी जलेबी खीर चॉकलेट केक इतना सारा मैं खा रही हूँ पता नहीं जब मैं टोटली डाइट पे हूँ व्हेन आई एम डिप्रेस्ड व्हाई एम आई ईटिंग सो मच ऑफ स्वीट्स क्यों मुझे शांति मिलती है स्वीट्स खा के मुझे नहीं पता बट आज मैंने सूर्य नमस्कार मारे हैं 150 कल मैंने और आज सुबह मैंने इतना मिठाई खाया है डिप्रेशन से बाहर निकल के और मैंने इतना 150 सूर्य नमस्कार और 400 लंजेस मारे हैं तो खा भी रही हूँ निकाल भी रही हूँ सॉरी सलमान जी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्लिम हो जाऊँ लेकिन मैं भी डिप्रेशन में हूँ मैं बहुत जल्दी स्लिम हो जाऊँगी सलमान जी और आपके सॉन्ग के लिए मैं रेडी हो जाऊँगी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए फिर हम लोग बहुत अच्छा गाना करेंगे सलमान जी मैंने आपके लिए ड्रीम देखा था मैंने कल कि मैं एकदम साइज जीरो हो गई हूँ और हम लोग साथ में गाना कर रहे हैं ओके राखी जी रितेश तो चल गया लेकिन उनकी यादों में उनकी कुछ ऐसी यादें आती जो आप शेयर कर सकते हैं कुछ अच्छी बातें या बुरी बातें हमारी बूम मैंने रितेश की मेरी कोई यादें उतनी है नहीं क्योंकि रितेश जब कनाडा बेल्जियम से आए थे तो हम लोग तुरंत बिग बॉस में गए एंड बिग बॉस से आने के बाद फिनाले रहे 1 or 2 weeks हम साथ में रहे हैं सिर्फ उतना ज़्यादा रहने ना मैं अपने हनीमून पे गई हूँ हाय मेरा हनीमून काश मैं हनीमून पे जाती मैं मौनी रॉय की तरह बर्फ में स्नो में मौनी रॉय उनके कपल की तरह और अंकिता लोखंडे की तरह मैं हनीमून पे जाती और मैं स्नो में एक दूसरे के ऊपर हम गोले भी बना बना के डालते लेकिन मुझे तो मौका ही नहीं मिला हनीमून में जाने का मुझे तो मौका ही नहीं मिला हनीमून में जाने का आइस में गोले बना बना के एक दूसरे में फेंकने का और वो गाना जो था करवटे बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम आई एम नॉट मैड मैं पागल नहीं हो गई हूँ आई एम फाइन
बट हाँ, मुझे सबके तरह हनीमून मनाने का मौका नहीं मिला है, बट एक दिन तो जाऊंगी कब्र में जाने से पहले हनीमून। गॉड मुझे तब उससे पहले लेना मत प्लीज, हाँ मुझे उससे पहले बुलाना मत प्लीज गॉड, मुझे हनीमून जाना है। मुझे स्नो के गोले बना बना के, जैसे विराट कोहली और उनकी वाइफ गए थे स्नो में, सब लोग जिनकी शादी हो जाती ना वो ठंडी जगह क्यों जाते हैं मुझे नहीं पता, स्नो में जाते हैं एक दूसरे पर गोले बना बना के फेंकते हैं। मुझे भी जाना है, मुझे हनीमून करना है कि ताकि मैं ढेर सारे आइस के गोले बना बना के ना अपने पति पे फेंकूँ। ओके राखी जी, आप बिग बॉस के अंदर जब रितेश निकल चुके थे तो आप बोले थे कि मुझे भी डर है कि रितेश मुझे छोड़ के चल जाएंगे, मुझे जो डर हो गया सच, तो आप क्या कह रहे हैं? बिकॉज मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं सारा ब्लेम अपने पे लेती हूँ। आई एम नॉट ब्लेमिंग रितेश फॉर एनी थिंग, ही इज अ नाइस गाय, ही हैज अ नाइस फैमिली। आज मुझे पता चला कि रितेश मीडिया के सामने और रियलिटी शो में क्यों नहीं आना चाहते थे, बिकॉज ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स गाइज, ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स और सम लीगल प्रॉब्लम्स इज फेसिंग गाइज। जो होता अच्छे के लिए होता है ना, तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा अच्छा शादी करने के लिए? क्या मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा शादी करने के लिए? बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा। मैं भी किसी क्रिकेटर से शादी करूँगी, किसी बड़े पुलिस, मेरे डैडी एक्सपायर हो गए लेकिन मेरे डैडी की इच्छा थी कि मैं बड़े पुलिस वाले से शादी करूँ, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं किसी क्रिकेटर से शादी करूँ। मैं ही जाऊँगी आईपीएल में, मैं क्रिकेट मैच में मैं भी अपने हस्बैंड को चौके छक्के लगाते हुए देखूँगी बैठ के, और मैं हिम्मत दूँगी। उन्होंने मुझे किस नहीं किया था, ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल, ही इज वेरी शाई गाय। आई फोर्स, मैं फोर्स से मैंने किस किया था। आई एम एवरी थिंग आई एम ब्लेमिंग फॉर माई मैरिज, फोर्सफुली मैरिज, आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ, आई एम टेकिंग, मैं अपने पर सारा इल्ज़ाम लेती हूँ कि मैंने फोर्सफुली शादी करी थी, मैंने फोर्सफुली उनको बुला के यहाँ पे शादी करी थी, उनका कोई कसूर नहीं है और मैंने फोर्सफुली उनके साथ किस किया था। भाई साहब, मैं इतने तो इल्ज़ाम अपने पे ले रही हूँ यार, कौन सी लड़की होगी जो अपने पे इतना इल्ज़ाम लेगी बताओ। आज बॉलीवुड लेजेंड सिंगर बप्पी लहरी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्होंने काफ़ी थाउजेंड से भी अच्छे गाने दिए, आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बप्पी जी, बप्पी दा, मिस कर रहे हम आपको बप्पी दा, मैंने आपके साथ कितने सारे अवार्ड नाइट किए बप्पी दा, बप्पी दा कितने अच्छे लगते इतना सारा गोल्ड पहन के, बप्पी दा की तरह वो जो उनका लुक इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई कितना भी गोल्ड पहने, लेकिन बप्पी दा ने जो गाने दिए हैं, उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी, छुनाना छुनाना, अब मैं जवां हो गई, फिर आई एम अ कौन सा, मैं डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, शीला शीला की जवानी, इतने बहुत सारे गाने दिए, और कौन सा, याद आ रहा है तेरा प्यार, बहुत सारे गाने दिए बप्पी दा ने। बप्पी दा, आपका नेचर इतना अच्छा था, आप रसगुल्ला की तरह थे, इतने स्वीट, लेकिन आप 69 उम्र में, 69 इतनी कम उम्र में आप चले गए, आपको तो 100 साल जीना था, अब बॉलीवुड क्या करेगा आपके बगैर, आप इतने इतने अच्छे अच्छे गाने देते थे। ओ माय गॉड, अभी लास्ट बिग बॉस में भी आप आए थे आपके पोते के साथ, आपके पोते के साथ आप आए थे, और आपके पोते ने इतना अच्छा डांस किया था, वी मिस यू, आई होप कि आपको स्वर्ग में बहुत अच्छा वेलकम हो गया, आपका वेलकम हो गया स्वर्ग में। राखी जी, आप गए नहीं उनके फिल्म में?
मैं बहुत सैड हूँ, मैं अभी अपने सेंस में नहीं हूँ और मैं मेरे पास वाइट सलवार कमीज नहीं थे। तो आप क्या मीडिया के माध्यम से उनके फैमिली को क्या कुछ कहना? तो इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं दुख जता रही हूँ और मैं सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इधर ही मैं अफसाना की शादी में जा रही हूँ, 18 को मॉर्निंग की फ्लाइट है मेरी। आप लोग आ रहे हो? वहाँ की मीडिया तो बता रही हूँ, वहाँ की मीडिया तो इतनी खास नहीं है जितनी मुंबई की मीडिया बेस्ट है। मीडिया तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो मुंबई की मीडिया को ही जानती हूँ। छोटू बंद है मैम, छोटू है क्या? अरे छोटू आ गए अपने। मैं तो अभी जा रही हूँ लोकल वाला, ये सारे पश्चिम है मैम। जो वेरी नाइस, तो आप कुछ तैयारी की हैं? हाँ, एक हल्दी के लिए अलग कॉस्ट्यूम है, एक मेहंदी के लिए अलग कॉस्ट्यूम है और शादी के लिए अलग कॉस्ट्यूम है। तो हम लोग तो अफसाना की शादी में हाँ, मैं बहुत डांस करूँ, वहाँ पे 100 कॉस्ट्यूम में ले लूँगा। अफसाना की शादी है, हाँ, जरीन खान से लेकर उमर से लेकर सब लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो हम 18 को मॉर्निंग में हम आपको एयरपोर्ट पर मिलेंगे, आपको कहाँ जाना है एयरपोर्ट पर? Thank you.